मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। जब से आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई है तब से ही यह फिल्म विवादों से घिरी नजर आ रही है। ऐसे ही एक बार फिर यह फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कारण विवादों में घिरी नजर आ रही है। इस बार मामला फिल्म की कमाई से जुड़ा है। दरअसल कंगना ने फिल्म की कमाई को लेकर एक बड़ा बयान सामने दिया था। कंगना ने इस मामले पर अपनी बात रखी थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हमेशा से ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कंगना ने एक मैगजीन के ट्वीट को शेयर करते हुए कहा था कि अच्छा दूध में पानी तो सुना था पर पानी में दूध, हाँ क्या मजबूरियां रही होंगी बेचारों की। बस फिर क्या था, कंगना के फैंस ने आलिया को बुरी तरीके से ट्रॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन आलिया की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन अब दिख रहा है कि कंगना की है चाल उनके ऊपर भारी पड़ गई। जी हाँ, आलिया के फैंस ने और उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स ने कंगना को बुरी तरीके से ट्विटर पर ट्रॉल किया है। आलिया के बॉलीवुड फ्रेंड्स और उनके फैंस आलिया के सपोर्ट में खड़े नजर आए। रणदीप हुड्डा ने ट्वीट करके कहा, डियरेस्ट आलिया, आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट लेटिंग द ओपिनियंस ऑफ वेरी ओकेजनल एक्टर्स एंड क्रोनिक विक्टिम्स अफेक्ट यू एंड योर वर्क। कूडोज टू यू फॉर योर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू आउटडू योरसेल्फ। आपको बता दें कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी रखी गई थी, जहां फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था। बात करें कंगना की, तो कंगना भी कुछ दिनों पहले आलिया की तारीफ करती नजर आई थी और अब उन पर सवाल उठाती दिख रही हैं, जिसके लिए आलिया के फैंस ने उनको कसकर लताड़ा है। हालांकि आलिया की तरफ से इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उनके फैंस उनको अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। वह प्रमोशंस के वक्त भी कंगना से जुड़े सवालों से बचती नजर आई थी।